नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि ये ट्रेन का नाम क्या है। तो इस ट्रेन का नाम है दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए RRB NTPC नॉन टेक्निकल आपका ग्रेड जो होता है उसमें बहुत बम्पर वैकेंसी आई है। आप जल्दी से अप्लाई करिए, पैटर्न में भी थोड़ा चेंजिंग है और क्वेश्चन का जो लेवल होगा उसमें भी आपकी चेंजिंग होगी। तो दोस्तों एक एक करके हम चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने ऐड करी हैं और क्या नहीं करी हैं। दोस्तों देखिए ये एप्लीकेशन निकल चुका है, ठीक है, और ये फॉर्म आपके निकल चुके हैं। 28 जो में आपके फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, और आपका ओपनिंग रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो 1/3 से शुरू हो गई है और 31/3 तक आपकी रात के 12 बजे तक इसकी चालू रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग से जो आप पेमेंट करेंगे वो 5/4 से, ठीक है, 5/4 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। फाइनल सबमिशन ऑफ फॉर्म 12/4 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। जून से लेकर सितंबर तक के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी टेंटेटिव आपकी डेट आ गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तो ये आपका जो अंडर ग्रेजुएट 10+2 वाली जो वैकेंसी है वो ये है। देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइप कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है दोस्तों, फिर आपका ग्रेड बी हो जो आपका ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएट लेवल में आपकी कौन कौन सी, ग्रेजुएट लेवल में बहुत अच्छी शानदार पोस्ट मानी जाती हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, ठीक है, टिकट क्लर्क हो गया, टिकट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, इनकी बस इनकी जो ग्रेड पे है वो बढ़ जाता है। ठीक है, स्टेशन मास्टर भी बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। पोस्ट दोस्तों सारी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन लेकिन दोस्तों आपको मेहनत बहुत ज़बरदस्त करनी, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। ये एक सर्वमान्य सत्य है कि कंपटीशन अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमने आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टों में कितने कितने। देखिए ये RRBs हैं, ठीक है, इतनी RRBs हैं, इनमें कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोस्ट है। तो जो लोग यूपी से बिलोंग कर रहे हैं 4,099 सीट उनके उनके उसमें है, RRB इलाहाबाद में, और RRB गोरखपुर में आपका 1,298 पोस्ट है। बाकी देखिए RRB अजमेर में, RRB बेंगलोर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर। तो दोस्तों ये देखिए इसमें ये होता है कि जहाँ से आप सहूलियत महसूस करते हैं, जहाँ पर से आप सहूलियत महसूस करते हैं, आप उस RRB में आप डाल दीजिए, आपको जॉब वहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये पूरा इतने जितने भी इसमें RRBs हैं सबकी ये अलग अलग जॉब्स हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एज ग्रुप क्या है, तो 89 के आप अंडर, अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के हैं तो 89 के बॉर्न होने चाहिए। OBC में आपका थोड़ा सा 3 साल का वो आपका छूट मिलती है एज में, तो 86 बॉर्न होने चाहिए, और 5 साल की छूट मिलती है SC ST में, तो आप 1984 के बॉर्न होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए जो मैंने कह रहा हूँ 3 साल 5 साल की इसमें एज का वो है, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 10, 13, 15, वो कास्ट वाइज है अलग अपना। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब मैंने आपको बता दिया। 10+2 के लिए भी जॉब्स हैं और अंडर वो ग्रेजुएशन वाले के लिए भी जॉब्स हैं। एग्जामिनेशन फी कितनी जाएगी, 500 रुपये जाएगी जो आपका जनरल और OBC के लिए है, और उसके बाद जो बाकी की कास्ट बच जाती है उनके लिए आपकी 250 रुपये जाएगी, उसमें से आपकी 400 रुपये वापस कर दी जाएगी स्टेज वन के बाद। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे हम। आगे देखिए ये आता है मेन मैटर, ठीक है, क्या एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए इसमें 3 स्टेज का एग्जाम है। ठीक, पहली स्टेज में ये आपको 90 मिनट्स का टाइम देंगे। ठीक है, 90 मिनट्स के टाइम में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे में आप 100 क्वेश्चन, अपने आप में बहुत अच्छा टास्क है, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हुई इसमें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगी, ठीक है, सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज में आपका सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा ये। ठीक, सेकंड स्टेज के एग्जाम में आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 90 मिनट्स 120 क्वेश्चन, और थोड़ा टास्क टफ हो गया। अगर 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा और उसमें 120 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा, और देखिए इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक, उसके बाद देखिए जब आप ये 2 स्टेज क्लियर कर लेंगे तो आपका लगभग 70-80% काम हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए ये आता है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में ये है कि जो लोग ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब जैसे आपने वीडियो गेम खेला है तो वीडियो गेम जैसा ही कुछ होता है, उसमें आपको दिमाग अपना प्रॉपर फोकस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका टेस्ट पायलट के लिए होता है, जो एयरफोर्स का पायलट होता है, लगभग उससे रिलेटेड ही एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें आपका ये देखा जाता है आप कितने फोकस्ड हैं, आपका ध्यान तो नहीं भटक रहा, और कितने आप जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ 2 पोस्टों के लिए, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए है। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होगा, वो जितनी पोस्टें हैं बची हुई उन सब के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। उसमें इंग्लिश में आपको 30 वर्ड मांगेंगे और हिंदी में आपको 25 वर्ड मांगा जाएगा।
ठीक है, ये आपका आपका इतना हो गया। तो दोस्तों ये आपका हमारा यहाँ पे ये खत्म होता है टोटल, कि जितनी भी एनटीपीसी की पोस्टेज हैं इसमें आप भर दीजिए। जनरल साइंस का बहुत बड़ा वेटेज रहता है या, और जनरल साइंस छोटी मोटी नहीं आती है, ठीक है, जनरल साइंस में वो डेप्थ मारता है। तो डेप्थ के लिए ये है कि अभी हम लोग अपना एक जनरल स्पेशल जनरल साइंस फॉर एनटीपीसी के लिए हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं सीरियसली में, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता आजकल टाइम में, ठीक, सारे के सारे जितनी जितने भी स्टूडेंट सेक्टर में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सबके सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़े से भी पीछे हैं तो आप लाखों लड़कों पीछे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारी सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार कंटिन्यू में देखते रहिए, नोटिफिकेशन चेक करते रहिए, और आपको हम जल्दी से सेशन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।